नमस्कार, वेलकम बैक टू मम्मी जी की रसोई अगेन। आज हम अपनी रसोई में पारंपरिक मीठे चावल बनाने जा रहे हैं। ये चावल वैसे तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बसंत पंचमी पर बनाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी चावल ले लिए हैं। इनको हम भिगो देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने 1 सर्विस स्पून देसी घी डाला है। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे इलायची, लौंग और तेजपात का पत्ता डाल रहे हैं। अब इसमें आधी छोटी कटोरी बारीक कटा बादाम डालेंगे, उसके बाद आधी छोटी कटोरी बारीक कटा काजू। अब इसमें आधी छोटी कटोरी किशमिश, आधी छोटी कटोरी चिरौंजी, एक छोटी कटोरी कसा हुआ गोला डालने के बाद हम ये सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 पिंच हल्दी डालेंगे, एक चुटकी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए भून चुके हैं अच्छे से ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे, जो चावल हमने भिगोए थे उनका पानी निकाल दिया है। अब उनको इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जितने चावल होते हैं उससे जस्ट डबल डलता है। जैसे हमारा यहाँ पे एक कटोरी ही चावल थे तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है। ये देखिए अब पानी डाल के अब हम इसे चला लेते हैं। इस तरीके से हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। यहाँ पे गैस तेज रखनी है 2-3 मिनट के लिए और इसे ढक देना है हाई फ्लेम पर ही। ये देखिए अब 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारे यहाँ पकते हुए गैस तेज पर। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। गैस हमने सिम कर दी है, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसमें अभी थोड़ा सा पानी दिख रहा है, ये इस तरीके से कुक हो जाएंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी दिख रहा है। तो अब इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर और पका लेंगे। जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता तब तक इसको पका लेंगे। अभी हमने दोबारा ढक दिया है 2 मिनट के लिए। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी पानी दिख रहा है, तो हम इसको सिम गैस पर अभी 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। आप इसको बार बार बीच में चेक करते रहिएगा। पानी अगर सूख जाए तभी आपको इसमें चीनी डालनी है। इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए चावल थोड़ा कम गला होना चाहिए। ये देखिए 1 किनकी वाला चावल जब होगा तभी हमें इसमें चीनी डालनी है। चीनी हमें उतनी ही लेनी है जितने हमने चावल लिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिए तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ही ली है। चीनी को हमको इसमें चारों तरफ फैला के डालना है। फैला कर डालने से चीनी अच्छे से मिक्स हो पाती है। देखिए यहाँ पे हमने इसे मिक्स करने के लिए करछी का इस्तेमाल नहीं करा है। ये इस तरीके से कढ़ाई को हिला हिला कर ही हमने चीनी को इसमें मिक्स करा है। इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने चीनी को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। हल्की गैस रख के 5 मिनट छोड़ेंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहेंगे रेगुलर कि चावल आपके बन तो नहीं गए। ये देखिए इस तरीके से अभी हमारी चीनी घुली है पर पूरी नहीं घुली है, इसलिए हम इसको चेक करके फिर दोबारा ढक देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चेक करते हुए 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर बना लीजिए। ये देखिए अब हमारी लगभग ये चीनी है। अब हम इसमें जायफल डालेंगे। जायफल यहाँ पे हमने 1 से 2 चुटकी जायफल लिया है। ये देखिए पिसा हुआ जायफल, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे केसर लिए। केसर को हमने आधे घंटे पहले दूध में भिगो दिया था। 1 चुटकी के लगभग हमने केसर ली थी। केसर को हमने दूध में भिगो दिया था। अब हम इसमें डाल देते हैं केसर। केसर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए और अब इसे मिक्स करने के बाद अब इसको फिर कवर कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हमने गैस ऑफ कर दी है और गैस ऑफ करने के बाद इसको आप 2-3-4 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा भप जाए। ये देखिए अब हमारा ये भप चुका है। अब हम इसे देख लेते हैं। अब हमारा ये तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं।
ये देखिए आप देख रहे होंगे देखने में ये कितना खिला खिला और कितना अच्छा बना है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए हमारे पारंपरिक मीठे चावल बनके तैयार हैं। आप इसे किसी भी ओकेज़न पे बनाएं, कोई गेस्ट आपके यहाँ आने वाला हो, कोई आपको स्वीट डिश नहीं समझ आए तो आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन।